हेलो दोस्तों तो मैं अंशुमन स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो लेक्चर में तो भैया ये वीडियो लेक्चर है आपका आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग होगा क्योंकि जैम का पेपर हो चुका है ठीक है बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हैं क्योंकि उन्होंने जैसे होप किया था कि मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा ठीक है ना खुद से एक्सपेक्टेशन्स बहुत ज़्यादा थी लेकिन वहाँ पर जाके कुछ सरकम कुछ सरकम की वजह से उनके पेपर ख़राब चले गए ठीक है ना बाद में जब घर पे आए फिर सॉल्व किया फिर हो रहे थे क्वेश्चन लेकिन वहाँ पे नहीं कर पाए वो जितना वो अपना हंड्रेड परसेंट देना चाह रहे थे वो नहीं हो पाया ठीक है ना तो अभी उससे कैसे उभरा जाए ठीक तो मेरा ये मानना है कि जितनी जल्दी आप ये एक्सेप्ट कर लोगे कि मैंने अपना हंड्रेड परसेंट नहीं दिया या मुझसे मेरा हंड्रेड नहीं गया उतना ज़्यादा जल्दी आप रिकवर कर लोगे किसी भी पेन से ठीक है मैं आपको बताता हूँ मेरी कहानी आ, मैंने भी जब तैयारी की थी अपनी तैयारी में तो आ, पहली बात तो टी आई एफ आर का एग्ज़ाम दिसंबर में होता है ठीक है और टी आई एफ आर के एग्ज़ाम के बाद ही टू थाउजेंड एटीन में टी आई एफ आर का एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद ही जे एन यू का एग्ज़ाम हुआ मतलब दस पंद्रह बीस दिन के गैप में ठीक तो ना ही मेरा टी आई एफ आर क्वालिफाई में हुआ था ठीक है और ना ही मैं क्वालिफाई हुआ था जे एन यू ठीक भाई साहब जैम के पेपर के लिए मेरे पास डेढ़ महीना था ठीक या तो मैं ये एक्सेप्ट कर लेता कि नहीं अब मेरा कुछ नहीं हो सकता ठीक क्योंकि टी आई नहीं निकला जे नहीं निकला तो मतलब कुछ होगा ही नहीं मुझसे ठीक है या तो मैं ये एक्सेप्ट कर लेता और या तो मैं ये एक्सेप्ट करता कि चलो जो नहीं निकला उसको छोड़ते हैं कुछ आगे बढ़िया करने की तैयारी करते हैं ठीक है ये दो ऑप्शंस थे मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि यार जे में जे का पेपर नहीं क्वालि मतलब नहीं कर पा रहा हूँ मैं तो जैम का कैसे करूँगा जेस्ट का कैसे करूँगा ये सब चीज़ें मेरे भी दिमाग में आनी चाहिए उस टाइम आई भी थी ठीक है तो लेकिन मैंने खुद को ये समझाया कि अभी तो जो होना था वो हो गया दो पेपर मेरे ख़राब चले गए हैं ऑलरेडी अगर मैं अभी से फिर से नहीं तैयारी करने ना तो मतलब उसी पर मैं टूट जाऊँगा ठीक और अगर मैं टूट जाता उस टाइम पर तो आप ये सोचिए कि मैं आपके सामने खड़ा ना होता ठीक है सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान और सबसे ज़्यादा जो सक्सेसफुल इंसान है वो इस दुनिया में वही है जो अपनी वर्स्ट कंडीशन से उठ के आता है आपको ये मैं बता दूँ ये कोई ऐसा मतलब मोटिवेट या नॉलेज बांटने वाली बात नहीं आप खुद ही देखोगे अभी आपका एग्ज़ाम ख़राब गया मैं मान रहा हूँ आप नहीं दे पाए अपना हंड्रेड परसेंट मैं कह रहा हूँ उम्मीदें मत छोड़िए ठीक है जिन्होंने जस्ट नहीं भरा है तो अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम आएंगे आप उनके लिए अच्छी सी तैयारी करिए ठीक है थीके? जिन्होंने जस्ट भरा है उनके लिए तो दोबारा मौका है ना अगर आपने जैम अच्छा नहीं दिया अभी जेस्ट है ना यार जैम का फिर से पूरा रिवीजन करो और फिर जस्ट की जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको पढ़ना शुरू करो है कि नहीं है और आपको बता दूं जस्ट का पेपर बहुत कॉन्सेप्चुअल आता है अब पिछली बार की आपने कटआफ देखी होगी पिछली बार की कट जान रहे हो आप कहती थी सिर्फ नाइन्टीन मार्क्स मतलब हंड्रेड में से नाइनटीन मार्क्स नहीं आ रहे हैं और आपको ये भी बता दूँ कि फिफ्टी परसेंट सिलेबस जो आपके जैम का है और आपके जो जेस्ट का है वो मैच करता है फिफ्टी परसेंट अराउंड मतलब कि अगर आप सिर्फ जैम पढ़ के जाते तब भी आप जेस्ट क्वालिफाई हो जाते ठीक है और यहाँ तक तो यहाँ पे फिजिस फाउंडेशन में कोर्स भी कराया गया था ठीक तो वो भी पढ़ के अगर आपको मतलब उसमें क्या कराया गया था कि उसमें जेस्ट में लगभग चीज़ें करा दी गई थी ठीक भाई साहब तो जेस्ट लोगों का निकला है जिनका जैम नहीं होता उनका बहुत सारे लोगों का मैंने ये देखा है कि जैम में उनकी 800 रैंक है 1000 रैंक है या 2000 रैंक है और उनकी जेस्ट में कितनी आ रही अंडर हंड्रेड रैंक ये मैंने देखा है ठीक है भाई साहब मेरे भी जैम में वन रैंक थी और जेस्ट में कितनी थी नाइन्टी तो है ना अंतर जैम अगर आपका खराब जा रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी जस्ट है ना जितने जल्दी एक्सेप्ट करोगे कि हाँ मेरा पेपर खराब गया है मैं उसके लिए मातम नहीं मनाऊंगा रोऊंगा नहीं कि जो हुआ ठीक है ठीक है जो होना था हो गया अभी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रहा है अगर मैं यही सोचूंगा तो फिर उसके लिए पहली बात तो आपका टाइम कम हो रहा है ना अब जितना दिन ये सोचने में निकाल रहे हो कि मेरा एक एग्ज़ाम एक खराब हुआ है उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को और ज़्यादा गड्ढे में ले जा रहे हो ठीक है तो अब प्लीज एक जो गलती किए हो अभी दोबारा करने के लिए उसके मतलब दोबारा करने के पाथ पे मत चलो उसको छोड़ दो ठीक है हो गया जैसा रिजल्ट आएगा देख लेंगे ठीक अभी क्या बचा है जेस्ट बचा है ठीक है जिन्होंने जेस्ट अभी भरा है जितनी भी पोटेंशियल है सब कुछ लगा दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए ठीक है ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है ठीक है ना वहाँ से भी ये मेसी होती भैया और जिन जो चाह रहे हैं कि जिनको इंटीग्रेटेड पी वगैरह करनी है तो उनके लिए अभी जेस्ट है जेस्ट के बहुत मायने हैं जेस्ट बहुत अच्छा बहुत अच्छा एग्जाम है बहुत रेपुटेटेड है ठीक है भाई साहब तो अभी मैं आपको बताता हूं जैसे मैंने यहां पे सिर्फ एक छोटा सा शब्द लिखा होप ये जिसका खत्म हो गया ना उसके जीवन में कुछ है ही नहीं अगर आपके जीवन से होप मैं हटा दूं ठीक है तो आपके जीवन में कुछ नहीं बचा नीरस है जीवन है ही नहीं कुछ ठीक मुझे होप है मुझे ये होप है मैं यहां आपको खड़ा होकर बता रहा हूं ठीक है रात के बारह एक बज रहे हैं मैं आपको ये अगर बता रहा हूं तो ये मेरा होप है कि आप इस वीडियो को देख के थोड़ा सा जरूर मोटिवेट होगे और अपनी गलतियों को भुला के आगे के लिए अच्छी तैयारी करोगे ये मेरा होप है अगर ये होप ना होता तो मैं शायद ये वीडियो ना बनाता आपकी होप थी आपने एक साल तैयारी की थी ठीक है ना नहीं अच्छा एग्ज़ाम हुआ और चलो तीन घंटे का कुछ था सिचुएशन नहीं अच्छा हो पाया ठीक है ना लेकिन होप थी ना एक होप थी तभी तो आप आपके कि हाँ यार मैं ये पढ़ूंगा ये पढ़ूंगा और मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा एक होप थी वो अगर ना होते बिल्कुल नहीं हो सकता था तो अभी से जो ये सोच जो कि मेरा जैम खराब हो गया है अभी भैया होप कर लो आगे आपका सेकंड जैम मैं कह रहा हूँ जेस्ट को अगर मैं कहूँ तो सेकंड बार एक चांस मिलता है ठीक है तो अभी आपके पास 25 दिन है प्लीज प्लीज़ प्लीज़ प्लीज, जो भी चीज़ें हुई हैं उसको साइड में रख दो मातम में मत जाओ सोना मत शुरू करो मतलब यार अब तो जैम हो गया वो भी खराब हो गया अब क्या ही कर पाऊँगा ऐसा मत सोचो ठीक है जितना रिलैक्स लेना था दो चार दिन हो चुके हैं रिलैक्स ले चुके हो ठीक अब बस बहुत हो गया बहुत हो गया उसका पंचायत करना उसका रोना ठीक है ना अब क्या करना है अब सिर्फ और सिर्फ अगले एग्जाम की तैयारी करनी है और अभी आपको पता चल गया कि कैसे जैम का पेपर हुआ है ठीक है मुझे क्या नहीं करना चाहिए था मैं करके आया हूँ नेक्स्ट पेपर्स में उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करो ठीक है ना जो गलतियाँ आप वहाँ पे करके आओ वो तो बिल्कुल मत करो ठीक है भाई साहब ये सब करनी है चीज़ें और यहाँ पे इसलिए मैंने एक लाइन भी लिख लिख रखी है दैट कैन चेंज द गेम गेम का मतलब समझ रहे हो गेम का मतलब खेल जीवन भी एक खेल ही है आपका एजुकेशन भी एक खेल है ठीक है ना तो आपकी एजुकेशन लाइफ जो है ना वो बदल सकती है अगर आप होप नहीं छोड़ रहे हो अभी तो मैंने बताया ना कि जो लोग सबसे वर्स्ट कंडीशन में भी लड़ने की अपेक्षा रखते हैं लड़ना चाहते हैं लड़ने की मन में शक्ति रखते हैं वही आगे बढ़ते हैं भैया ठीक है मैंने बताया कि मैं भी अगर हार गया होता तो मैं आज यहाँ ना होता और बस ये आपके लिए मौका है भैया इससे ज्यादा अच्छा मौका नहीं मिलेगा जितना भी पोटेंशियल है सब कुछ झोंक दो जितनी भी चीजें नहीं पढ़ी हैं जो भी चीजें आप छोड़ के रह चल रहे थे एक बार फिर से उनको पढ़ने की कोशिश करो रिवाइज करो अच्छे से जैम का सिलेबस और जेस्ट का जो इस एक्स्ट्रा सिलेबस है उसको भी करने की कोशिश करो ठीक है इन्हीं सब कारणों से हमने जेस्ट का कोर्स लॉन्च किया था ठीक है सिर्फ दो हज़ार फीस है उसकी उसमें हम जैम का नहीं पढ़ा रहे हैं हम जेस्ट जेस्ट में जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना उसको दे रहे हैं ठीक है तो जो लोग जैम पूरा रिवाइज कर चुके हैं और वो इंटरेस्टेड हैं कि मैं जेस्ट के और टॉपिक्स कहाँ से पढ़ूँ उनको नहीं मिल पा रहे हैं तो हमारे यहाँ आ भी सकते हो आप ज्वाइन कर सकते हो दो हज़ार की सिर्फ कोचिंग है ठीक है ना इतनी नॉमिनल फीस कहीं नहीं होती ठीक तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो कुछ लोग कहेंगे कि इतना मोटिवेट किया और फिर उसके बाद बिजनेस पे आ गया ये बिजनेस नहीं है मैं सिर्फ आपको सजेशन दे रहा हूँ आप लीजिए ना लीजिए सिर्फ और सिर्फ होप अपना बनाए रखिए कि मेरा अगला एग्ज़ाम अच्छा जाएगा खुद से ही पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं मुझे ठीक है ना मैं बस एक रास्ता बता रहा हूँ ठीक कि आप ऐसा भी कर सकते हो ठीक तो जेस्ट का कोर्स हमारे ऐप पर है आप उसको परचेज कर सकते हो अगर नहीं परचेज करना है तब भी आप खुद से ही तैयारी करना शुरू कर दो बस रोना बंद कर दो यार ठीक है ना खराब चला गया बस ठीक है ना खराब चला गया समझ गया अब खराब चला गया बस हो गया अब उसको ले कर पचास लोग को फ़ोन मिला के खुद भी डिसअपॉइंट होकर ये मत करो कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा कुछ लोग तो ऐसे कह रहे हैं सर ये खराब चला गया पेपर अब मैं फिजिक्स छोड़ दूंगा अब फिजिक्स क्यों छोड़ दोगे यार तीन घंटे डिसाइड हो गया कि तुम फिजिक्स नहीं कर सकते ये बताओ शायद उस टाइम तुम्हारे दिमाग में नहीं चला लेकिन यार तुम्हें फिजिक्स आती है यार तुमने सीखी है क्यों नहीं समझ रहे हो ये सब चीज़ें आज अगर ये लाइन छोड़ दोगे ना तो कहीं जाके जीरो से शुरू करोगे तब तो और ज़्यादा सफ़र करोगे ठीक है तो आज और अभी से जब से ये वीडियो देख रहे हो तो मुझसे ये वादा करो कि आप लोग अब फिर से वो वाला रोना नहीं शुरू करोगे और आगे जो आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए हंड्रेड परसेंट अपना दोगे ठीक है ना वो पूरे होप से काम करोगे होम होप्स और पॉजिटिविटी दो चीज़ें होती हैं ठीक है ना एक तो होप होता है कि हाँ मैं कर लूँगा ठीक है ना एक पॉजिटिविटी होती है कि आ, हाँ यार अच्छा ही होगा चलो ये बेकार हुआ ना तो शायद कुछ अच्छा होने के लिए ही ये बेकार हुआ है ये भी एक पॉजिटिविटी की भी चीज़ होती है जो कि सबके अंदर होनी चाहिए मैं अब भी रिसर्च करता हूँ तो बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार रिसर्च नहीं हो रही आज उनको प्रॉब्लम नहीं मिल रही वो सोच नहीं पा रहे कि वो कौन सी प्रॉब्लम पे काम करें क्या वो प्रॉब्लम सही है कि नहीं मेरा क्या मानना होता है कि चलो ठीक है जो चीज़ आज नहीं हुई है वो कल हो जाएगी जो चीज़ आज नहीं हुई है वो कल हो जाएगी इतना ज़्यादा टेंशन लेके काम करूँगा तब भी कल होगी और टेंशन नहीं लूँगा तब भी आराम से कल हो जाएगी ठीक है ना मैं भी कोडिंग करता हूँ मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ एक मतलब कोड लिखता हूँ मैं एक एक हज़ार दो दो हज़ार लाइन की कोड रहते हैं हमारे ठीक है ना मैं भी कोड लिखता हूँ उसकी वो नहीं चलते उसमें पचास हिटर आता है है कि नहीं अभी मैं फ्रस्ट्रेट होकर उसे बंद करके गई तो नहीं मैं रिसर्च करूँगा ही नहीं तो गलत होगा ना फिर तो मैं भाग रहा हूँ एक चीज़ से क्यों भागूँ भाई आज नहीं हुआ है ठीक है ना कल कोई भी प्रॉब्लम है वो टैकल होने के लिए ही बनी है जान लो दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम है वो टैकल होने के लिए बनी है जान लो आप कभी ना कभी उसका सलूशन आएगा ये तय है आप दोगे तो हम देंगे या कोई और देगा ठीक है तो इसीलिए होप और ऑप्टिमिज्म हमेशा हम बना के रखो होप और ऑप्टिमिज्म इसको लिख लो ठीक है ना ये सबके जीवन में होना चाहिए ठीक ऑप्टिमिज्म तो का मतलब होता है सकारात्मक सोच ठीक है ना मतलब पॉजिटिविटी आपकी सोच में होनी चाहिए ठीक तो मैं यही बताने आया था भैया कि जो भी चीजें आपके साथ गुजरी हैं दैसा भी पेपर गया है उसको उसी पे छोड़ दो और नेक्स्ट तैयारी के लिए लग जाओ ठीक है ना तो मैं सुबह तो सिर्फ इतना ही बताने आया था चलता हूँ धन्यवाद